हरे कृष्णा। आज के जमाने में आप अगर संगीत सीखते हो, यानी बेसिकली हारमोनियम या कीबोर्ड बजाना सीखते हो, तो आप एक अच्छा गायक और एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकते हो। आप अगर एक अच्छा गायक या म्यूजिशियन बन गए, तो आप अनुभव के साथ साथ एक अच्छा म्यूजिक टीचर भी बन सकोगे। आपका वक्त अच्छी तरह से गुजर पाएगा और आप पैसे कमाओगे और फेमस हो जाओगे। आपने किसी क्लब में जाकर सिर्फ कराओके ट्रैक्स पर गाने गाए तो चंद लोग सुनने आएंगे, शायद पहचान हो पाएगी या पहचान नहीं भी हो पाएगी। इस बात पर गौर से विचार कीजिए और संगीत सीखना शुरू कीजिए। चंद महीनों में आप एक अच्छा संगीतकार बन जाओगे। आपको सिखाए गए लेसन्स की आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, तो आप हारमोनियम या कीबोर्ड ये 2-3 महीने में बजा सकोगे। आपको एक बार हारमोनियम और कीबोर्ड बजाने आने लगा, तो आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बड़ी आसानी से बजा पाओगे, क्लब्स में लोगों के साथ बजा पाओगे, लोगों को बजाने सिखा सकोगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाना शुरू करोगे तो आपकी आमदनी होगी, आप मशहूर होंगे, आप बिजी रहोगे, आपका वक्त अच्छी तरह गुजर पाएगा। लाइफ में रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं आएगा। हमारे पुराने जितने भी मशहूर गायक थे, वो केवल गायक थे, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानते थे। उनके नसीब ने उनका साथ दिया, इसलिए वो मशहूर गायक बन पाए। जिन्होंने संगीत सीखा, वो आज के जमाने में भी खुद के संगीत क्लास चलाते हैं और बिजी रहते हैं, पैसा कमाते हैं।